तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि किसी ना किसी की शामत जरूर आई है, क्योंकि पुलिस का इस तरह घूमना कोई अच्छी अलामत नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है मुख्तार अंसारी के साथ। दरअसल ये तस्वीरें गाजीपुर के महुआ बाग इलाके की हैं, जहां पुलिस ने डुगडुगी पिटवाकर मुख्तार अंसारी की 2 करोड़ की बेनामी संपत्ति को जब्त करवा लिया। हालांकि सच ये भी है कि चुनाव के दौरान इस तरह की किसी भी कार्रवाई से परहेज रखा जाता है, बावजूद इसके पुलिस ने मुख्तार की संपत्ति को कुर्क कर लिया। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे के नाम पर है, और जब वो माइनर थे तो उसके लिए उनकी जो संरक्षण गार्जियन है, जरा कहते हैं अफसर अंसारी के नाम पर ये प्रॉपर्टी है, और ये मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत इसको आज कुर्क किया जा रहा है। दरअसल ये मामला गाजीपुर जिले के महुआ बाग इलाके का है। पुलिस के मुताबिक 2 करोड़ की कीमत का ये प्लॉट मुख्तार के दोनों बेटों के नाम पर है और इसकी कस्टडी उनके भाई अफजाल अंसारी के पास। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में कार्रवाई करते हुए मुख्तार की इस बेनामी संपत्ति को जब्त किया है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत आज IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी का महुआ बाग स्थित जो ये प्लॉट है, जो भूमि है, इसको आज कुर्क किया गया है। सर, क्या कीमत होगी? कीमत क्या होगी? ये जो महुआ बाग स्थित प्लॉट है, इसका क्षेत्रफल लगभग 381 वर्ग मीटर है और इसकी बाजारों मूल्य लगभग 2,15,00,000 रुपये है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे के नाम पर है, और जब वो माइनर थे तो उसके लिए उनकी जो संरक्षण गार्जियन है, जरा कहते हैं अफसर अंसारी के नाम पर ये प्रॉपर्टी है, और ये मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति है, इसलिए गैंगस्टर एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत इसको आज कुर्क किया जा रहा है। पुलिस ने फिलहाल डुगडुगी पिटवाते हुए मुख्तार की बेनामी संपत्ति को एक बार फिर जब्त करवा लिया, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं मुख्तार और उनके सियासतदान भाइयों पर जरूर पड़ेगा। गाजीपुर से न्यूज टाइम के लिए सलाउद्दीन की रिपोर्ट। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।